नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिषेक की पूरी टीम की तरफ से। मैं हूं अभिनव प्रशांशु पांडे। अब हम अगली बात क्या करेंगे, हम लोगों ने अच्छी स्थिति देख ली, अब निरक्षी स्थिति की बात करेंगे। और यहां पर जो है हमारे पास में क्या संभावना बनती है, ये देखिए हमारे पास में एक धनात्मक आवेश क्यू है, ठीक है, और एक ऋणात्मक आवेश ऋण क्यू है। और इन दोनों को इस तरीके से रखने के बाद में इनके केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसको अगर हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो इस बिंदु पर जो है कहीं पर भी हमको दूसरा एक प्रेक्षण चार्ज क्यू नॉट रखने पर उस पर जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास करेंगे। अब क्योंकि हम दूरी कहाँ से नापते हैं, दूरी जो है केंद्र से नापते हैं, तो हम लोगों ने मान लिया कि वाई जो है वो दूरी है जो बिंदु पी को प्रदर्शित करती है। हम लोगों को यहाँ पर बिंदु ए और यहाँ पर बिंदु बी नजर आता है। इसको मिलाने वाली एक रेखा ऐसी और दूसरी रेखा ऐसी होगी और हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज नजर आता है जिसमें हमको ये एक्स दूरी है, इन दोनों के बीच में अगर हम 2x दूरी माने तो, और ये क्योंकि कर्ण है तो हमको कर्ण h का मान मिलेगा h बराबर h का वर्ग बराबर x का वर्ग धन y का वर्ग। इस तरीके से यदि हम धनात्मक आवेश Q और यहाँ पर Q नॉट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमको विद्युत क्षेत्र जो है प्रतिकर्षण के बल वाला दिखाई देगा और वो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र E1, और विद्युत क्षेत्र E1 का मान निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा के क्यू बटा एच का वर्ग, मतलब हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा के क्यू बटा एक्स का वर्ग धन y का वर्ग। ये चीज हमको नजर आई। अब हमको जो है दूसरा क्या देखना है, दूसरा देखिए कि यहां पर इसके बीच में भी विद्युत क्षेत्र हमको नजर आएगा और ये विद्युत क्षेत्र हमको ऐसा दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा हमारा E2, और E2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऋण के क्यू बटा एच का वर्ग, और यहां से हमको मिलता है ऋण के क्यू बटा एक्स का वर्ग धन y का वर्ग। इस तरीके से हमको E1 और E2 निकल जाता है। अब अगर हमको यहां पर थीटा पता हो, अगर हमको यहां पर थीटा पता हो तो ये थीटा जो है हमको यहां पर दिखाई देगा। ये देखो ये थीटा बन गया, और इस थीटा में जो है हम क्या करते हैं कि E1 को उसके दो अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। ये हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि यहां पर भी हमको वही एंगल थीटा दिखाई देता है तो यहां हमको मिलेगा E2 cos थीटा और यहां हमें मिलेगा E2 sin थीटा। अब हमको क्या देखना है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों ऐसी राशियां हैं जो जुड़ रही हैं क्योंकि ये एक जैसी दिशा में है, लेकिन E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, ये एक दूसरे से घटेंगी और परिमाण बराबर होने के कारण बिल्कुल शून्य रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E1 कितना मिलेगा, E नेट मिलेगा हमको, E नेट बराबर 2E, अब वो E1 और E2 एक बराबर है तो 2E cos थीटा, ये जो है हमको कुल मिला के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। अब ये cos थीटा निकालो तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो यहां पर हो जाएगा cos थीटा बराबर x बटा h, और ये हो जाएगा cos थीटा बराबर x बटा x का वर्ग धन y का वर्ग और पूरे का वर्गमूल यानी कि पूरे की घात 1 बटा 2। अब ये जानकारी हम यहां डालेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2 गुणा के क्यू बटा x का वर्ग धन y का वर्ग, और यहां हो जाएगा x बटा, क्योंकि cos थीटा है, x बटा x का वर्ग धन y का वर्ग और पूरे की घात 1 बटा 2, ठीक है। तो ये जो है हमको समझ में आ गया। अब हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो कि यहां पर 2 और q और x ये तीनों राशियां ऐसी हैं जिनको मिला के 2q
क्यू और एक्स, तो हमको पता था कि पी बराबर डो क्यू एक्स ये है, तो यहां से हमको के और पी मिल गया, और बटे में हमको यहां देखो मिलता है एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग और पूरे का पूरे की घात तीन बटा दो, यहाँ एक और यहाँ आधा तो डेढ़ हो जाएगा, तो तीन पूरे की घात तीन बटे दो मिल गया। अभी भी अगर हम ये माने कि x जो है वो y से, x जो है वो y से बहुत ज्यादा छोटा है, तो ऐसी स्थिति में जो है x का वर्ग जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा के पी बटा वाई का वर्ग पूरे की घात तीन बटा दो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा के पी और यहां पर हो जाएगा वाई की घात तीन। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोगों ने जब अक्षीय स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो ये था के दो पी बटा आर की घात तीन, और अगर हम जो है इस स्थिति में निकालते हैं तो यहां पर हमको मिलता है के पी बटा आर की घात तीन। तो इस तरीके से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समझ में आ ही गई, इसके साथ साथ एक और विशेष जानकारी समझ में आई कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस गति से कम होती है उसकी दुगुनी गति से हमको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती हुई नजर आती है। अब हमारी चर्चा का अगला विषय क्या होने वाला है, तो अब हमको ये जानना है कि बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण किसी भी भाई हम लोगों को कपल फोर्स यानी कि युग्म बल के बारे में पता है। देखिए ये जो है विद्युत द्विध्रुव है और अगर इसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो लगेगा QE, और उसी तरीके से क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है तो विपरीत दिशा में यहाँ पर बल लगेगा ऋण QE। समान किंतु विपरीत दिशा में लगने वाले बल जो एक दूसरे से लंबवत दूरी d पर हो तो ये जो है एक घूर्णन का जो है प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इसको कहते हैं हम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ का मान होता है एफ गुणा डी, और ये डी क्या है, ये लंबवत दूरी है। तो भाई अगर इनके बीच की दूरी 2L है, 2L है तो फिर डी का मान क्या होगा, डी का मान हो जाएगा देखिए यहां पर जो है साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा यहां पर इस कोण को हम लोगों ने थीटा माना है तो इस कोण को थीटा मानने पर यह लंब बटा कर्ण हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब मतलब d बटा कर्ण मतलब 2l, तो d का मान यहां पर क्या हो जाएगा, d का मान हमको मिलेगा d बराबर 2l साइन थीटा, और इस तरीके से हमको बल आघूर्ण टाउ का मान हो जाएगा f बटा f इंटू डी, और यह हो जाएगा f इंटू 2l साइन थीटा, ये जो है बल आघूर्ण का मान हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहां से जो है हमको क्या पता चलेगा, यहां से हमको पता चलेगा कि कितना बल आरोपित होता है एक विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में और उस एक समान विद्युत क्षेत्र पर जो, अब देखिए यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है QE, बल का मान कितना है QE है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर क्यू E और यहां हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब जो है बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, हमको पता है 2QL ये क्या है, ये है द्विध्रुव आघूर्ण P, तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यह एक सदिश राशि है इसलिए हम बोल सकते हैं टाउ मतलब बल आघूर्ण बराबर P क्रॉस E, और ये हमको सूत्र मिल गया। अगर प्रश्न आपसे पूछता है तो 3 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे, अगली बात क्या है कि कार्य एवं स्थिति ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब भाई क्या हो रहा है कि ये द्विध्रुव जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर है तो ये क्या होगा कि इस पर कोई टॉर्क यानी कि इस पर कोई आघूर्ण बल कार्य करेगा और इस बल आघूर्ण के कारण इसमें कोई स्थितिज ऊर्जा संचित भी हो जाएगी। अब ऊर्जा के बारे में हमको क्या पता है, चलिए आइए देखते हैं। ऊर्जा के बारे में पता है डी डब्ल्यू छोटा सा किया गया कार्य बराबर, ऐसे तो हमको पता है एफ गुणा
डी एफ इंटू डी होता है, मतलब बल गुणा विस्थापन होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है घूर्णन वाला कार्य हो रहा है, इसलिए डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा टॉर्क और डॉट यहाँ पर थीटा, और ये थीटा क्या है, ये थीटा वही कोण है जिस कोण से जो है बल आघूर्ण ने उसे घुमाया है। अब अगर हमें पूरा कार्य निकालना है तो हमको इसका भी जो है क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमको समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है समाकलन के लिए हम लोगों ने पाई बटा दो जो है एक प्रारंभिक स्थिति ली है, और कोई भी थीटा थीटा के लिए जो है हम यहाँ पर अगर मान निकालेंगे तो डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, कुल मिला के किए गए कार्य का मान हो जाएगा, देखिए टाउ का मान होता है पी ई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। तो पी ई साइन थीटा और डी थीटा इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर पाई बटा दो से लेके थीटा अंश तक जो है कार्य निकालना है। अब हम क्या करेंगे भाई, पी ई तो एक क्या है, पी ई एक कॉन्स्टेंट है, ये जो है एक नियत राशि है, इसको बाहर निकालेंगे और समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का होता है ऋण कॉस थीटा, तो डब्ल्यू का मान हो जाएगा, डब्ल्यू का मान हो जाएगा ऋण पी ई, और उसके बाद में हमको मिलेगा कॉस थीटा, और इसकी जो है सीमा होगी पाई बटा दो से थीटा अंश तक। तो अगर हम चाहें तो इसका मान निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा ऋण पी ई, और उसके बाद में हो जाएगा कॉस थीटा ऋण कॉस पाई बटा दो। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि दो स्थितियां हैं, यदि थीटा का मान जो है पाई बटा दो हो जाए तो यहां पर हमको कॉस पाई बटा दो ऋण कॉस पाई बटा दो हो, तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के किया गया कार्य जो है शून्य हो जाएगा। अच्छा, यदि हम जो है थीटा का मान शून्य ले ले तो यहां पर कॉस शून्य और कॉस शून्य का मान होता है एक, कॉस शून्य का मान होता है एक, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है शून्य, तो इस तरीके से जो है हमको कुल मिला के किया गया कार्य ऋण पी ई मिल जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम कार्य की सीमा है। अच्छा, यदि हम जो है थीटा का मान पाई बटा दो लेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा की बजाय हमको क्या लिखना पड़ेगा, ऋण पाई लिखना पड़ेगा, ऋण पाई में जो है उसका मान हो जाएगा ऋण एक, और वो ऋण एक जो है बाहर आने के बाद में इस ऋणात्मक चिन्ह को घटा देगा, तो हमको कुल मिला के किया गया कार्य पी ई मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने एक ही कक्षा में विद्युत द्विध्रुव के बारे में सारी जानकारियां सीखी, और इस तरीके से तेजी से जल्दी हम प्रयास करते चले तो हमारा मिशन 2023 बिल्कुल सफल रहने वाला है। आप सभी से जो है अनुरोध यह है कि आप हमारे एप्लीकेशन में आकर ये चीजें सीखने का प्रयास करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चलिए आप शेयर तो कर ही देंगे मुझे पता है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।